मेरी बात समझ रही हो ना? मैं समीर को कैसे बताऊं? कब तक अपनी जबान पर ताले लगाए रखोगी? कब तक ही ना, कब तक? एक ही छत के नीचे रहकर कब तक अम्मी के सवालों से तुम बचती रहोगी? इस खानदान के लिए वारिस का तकाजा आज एक तरफ से उठा है, कल चारों तरफ से उठेगा। किस किस के सामने अपनी सफाई पेश करोगी और कैसे? है इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास? हेलो, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। न जाने आज क्यों तुम्हारी याद बहुत तड़पा रही थी, इसलिए सोचा फोन ही कर लूँ। अच्छा किया अम्मी। हाँ तो मैंने क्या पूछा था? क्या? कि तुम कैसी हो? आपको क्या लगता है? पता है, बहुत मजे में हो। लेकिन फिर भी बेटी के प्यार में दिल तड़प कर पूछ ही बैठता है कि कैसी हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आपका कहना कभी गलत भी ना हो अम्मी। हीना बेटी, सोच रही हूँ आज तुमसे एक बात पूछ ही लूँ। मैंने कहा था ना, ऐसी कोई भी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अरे पगली, तुम क्या समझ रही थी मैं तुमसे अपनी नानी बनने की बात पूछ रही थी? नहीं तो फिर क्या बात हो सकती है? मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती थी, उस दिन तुम और समीर जो घर आए थे ना, तब तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें एक तोहफा दिया था। उस तोहफे में क्या था? मैं तुम्हारे अब्बू से पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन वो बताते ही नहीं। मैंने सोचा तुम ही बता दो। ये तो अब्बू से पूछना पड़ेगा कि मैं आपको बता सकती हूँ या नहीं। अरे वाह, बड़ी तगड़ी एसोसिएशन है बाप और बेटी की। चल जाने दे। अच्छा ये बताओ, यहाँ कब आओगी? उस दिन वादा करके गई थी जल्दी आऊंगी, अभी तक नहीं आई। आऊंगी, लेकिन कब? ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। चल समीर से पूछ के बताएगी। जी। अच्छा, खुदा हाफिज। मसरत का कहो या इस गम का रिश्ता, कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता, है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता। क्या बात है हीना, ये आंसू किस लिए? अब्बू ने ये तोहफा दिया था, ये गुड़िया, इसका मतलब समझते हैं आप? मुझे कुछ नहीं समझना। जानकर भी अनजान बन रहे हो। क्या बात है समीर, आज तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मेरे लिए एक ही है,
जो प्रॉब्लम बनती जा रही है। कौन? हीना और कौन? लेकिन क्यों समीर? आज मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, तड़प देखी उसकी। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात ही तो है रूबी, वो खानदान को वारिस देने के नाम पर मुझे पाना चाहती है। अच्छा, और तुमने इसके बारे में क्या सोचा? सोचता क्या, मैंने फैसला पहले से कर रखा। तुम्हारे अलावा मैं और किसी का कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हीना की फ्रस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। एक दिन वो तुमसे परेशान हो जाएगी। देखना यह है कि उसके बाद उसके पास कौन सा रास्ता बचता है। समीर, मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर ली है, बस दो गारंटर्स के सिग्नेचर होना बाकी है। तो उसकी फिक्र क्यों करता है? एक गारंटर तो मैं हूं ही, और दूसरे गारंटर खन्ना साहब बनेंगे। हमारी फैमिली के बड़े पुराने वेलविशर है, मैंने उनसे बात कर ली है एंड ही हैज एग्रीड। समीर, इस सिलसिले में तुमने अपने अब्बू से बात कर ली? उनसे क्या बात करनी है, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा अकरम। हाँ मानता हूं, लेकिन समीर बुरा मत मानना, उनकी इजाजत के बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अकरम तू कोई गैर तो है नहीं। हाँ मानता हूं कि मैं गैर नहीं हूं, लेकिन अपनों से बड़ों की इजाजत भी तो जरूरी है। ठीक है, अगर तू ये चाहता है ना तो मैं कल ही अब्बू से परमिशन ले लूंगा। यह काम आज भी हो सकता था, लेकिन आज वो आउट ऑफ स्टेशन है। खैर कोई बात नहीं, कल से ही चल। अबू। अरे समीर। अबू मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन तुमसे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, आओ बैठो। भई ये क्या है, हीना ने मुझे बताया कि तुम अकरम के किसी काम की वजह से अभी यूरोप नहीं जा रहे हो, तुमने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया है। जी हाँ, मैं उसी सिलसिले में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे बगैर हो नहीं सकता? अबू वो मैं ही हूँ जो अकरम को लोन दिलवाने में कामयाब हो सकता हूँ। कैसा लोन? जी अकरम एक 5-स्टार होटल कायम करना चाहता है, जिसके लिए उसे फाइनेंस की जरूरत है। अकरम और होटल? जी हाँ, वो इसका एक ख्वाब है। ओ, कहीं ये वही ख्वाब तो नहीं जिसके बारे में सरफराज खान बार बार रट लगाए रहते हैं? जी हाँ वही। तो तुम इसके गारंटर हो? हूँ तो नहीं, लेकिन होना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अबू मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसकी आपको खबर भी ना हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे बताया। तो फिर मैं समझ लूं कि आपने मुझे इजाजत दे दी। भाई एक दोस्त का मामला है, वो भी अकरम जैसे दोस्त का। मैं तो ये कहूंगा कि पहली फुर्सत में जो कुछ तुमसे हो सकता है उसके लिए करो। जी शुक्रिया। नमीरा, बहुत दिनों से बबलू नहीं आया यहां। इस घर में अब कोई बच्चा तो होना ही चाहिए, और अब तो सिर्फ बबलू ही ये कमी पूरी कर सकता है। मैं तो तौकीर से कहूंगी बबलू को अब यही रहने दो, बच्चे के बिना ये घर सूना सूना सा लगता है। क्यों ही ना? अम्मी तुम ज्यादती कर रही हो हीना के साथ, और वो जो कर रही है क्या वो ज्यादती नहीं है? उसने ऐसा क्या किया है? जैसे कि तुम जानती नहीं, मेरी किस्मत खराब थी, बांझ बहू उठा लाई। अम्मी तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हीना बांझ नहीं हो सकती। ये तुम कैसे जानती हो? चेकअप के बाद तुम भी जान जाओगी। चेकअप? वो तो चेकअप करने के लिए तैयार ही नहीं है। हीना,
अब मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है। अम्मी जो कुछ भी तुम्हारे साथ कर रही हैं, उसमें अम्मी दोषी नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुम खुद अपने आप पर जुल्म कर रही हो। मन में तो आया कि अम्मी को सारी हकीकत बता दूं। नहीं नमीरा, ऐसा कभी मत करना। तो फिर तुम्हें ही कुछ करना होगा। हकीकत का सामना करने के लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। मैं क्या करूं नमीरा? तुम वही करो जो अम्मी चाहती हैं। तुम अपना चेकअप करवा लो, कम से कम उनकी गलत फहमी तो दूर हो जाएगी। तब हकीकत मालूम हो जाएगी, समीर पर उंगली उठेगी, उनकी रुसवाई होगी। तब अम्मी को कितना दुख होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो फिर तुम चाहती क्या हो? समीर अपनी मनमानी करता रहे? एक बात मत भूलो हीना, औरत के लिए ये सबसे बड़ी सजा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मेरे लिए क्या ये सजा कम है कि मैं बीवी भी नहीं बन सकी? मां क्या बनूंगी? फिर भी तुम खामोश हो, दिल पर जख्म है और जबान पर शिकायत नहीं। तुम जैसी औरतों ने ही मर्दों को शेर बना दिया है। वो अपनी मनमानी करते हैं और औरतों के जज्बात के साथ खेलते हैं। हीना एक बार हिम्मत करो और अपने हक के लिए समीर के खिलाफ बगावत कर दो। नहीं नमीरा, मर्द अना की मिट्टी से बना है, उसका दिल प्यार से जीता जाता है, बगावत से नहीं। आज तक तुम यही तो करती आई हो, अपना दिल अपनी पल के तुमने सब कुछ बिछा दिया समीर के कदमों में। पर हुआ क्या? वो उसे रौंद कर आगे बढ़ गया और तुम आंसू बहाती रह गई। हीना, अगर तुम उसका दिल जीतना चाहती हो तो तुम्हें उस हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर न जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारी तरफ से लोगों की बदली हुई नजर का समीर फायदा उठा लेगा और वो तुम्हें इस घर से निकलवा देगा। पर अगर एक बार तुमने इस घर को वारिस दे दिया ना, तो इस घर में तुम्हारी जगह बन जाएगी और वो जगह से तुम्हें कोई नहीं हटा पाएगा, कोई नहीं। ये मैंने गारंटर की हैसियत से सिग्नेचर कर दिया और एक इन्होंने कर दी, तेरी फाइल कंप्लीट हो गई। समझ ले कि तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया। थैंक यू यार खन्ना साहब, थैंक यू अगेन। समीर साहब के लिए तो मैं इनकार ही नहीं कर सकता हूँ ना। अब चल, रूबी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ चलो चल। यस हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। हाय रूबी, कम कम। हाय, बैठिए। ये रही अकरम की प्रोजेक्ट फाइल, अब तुम देख लो कि तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। एक्सेलेंट, ब्रिलियंट। इज देयर एनी अदर फॉर्मेलिटी आई हैव टू टेक? नहीं, इतना काफी है। तो फिर मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। सिर्फ जवाब का नहीं बल्कि हाँ मैं जवाब का। डोंट वरी, आप दोनों को जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। इस फाइल की मदद से मैं बहुत कुछ करने में कामयाब जरूर हो जाऊंगी। समीर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं तो हार ही चुका था। तेरी बदौलत फिर से जी उठा। आज के जमाने में एक भाई भी अपने भाई के लिए इतना नहीं करेगा। दोस्ती के नाम पे एक मिसाल बन चुका है तू। समीर, दोस्त तेरा ये एहसान में हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर। बस बस, ये एहसान वैसान तो अपने पास रख, दोस्ती में ऐसी बातें तो की ही जाती है। अरे दोस्ती तो है ही इसी का नाम। अब चल। रात गए तुम कहाँ थे? रात का 1 बज रहा है। इससे पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं टोका, तो फिर आज क्यों?
मैंने पूछा समीर की इतनी रात गए तुम कहाँ थे? इस घर में तुम्हारा इंतजार करने वाला भी कोई है? उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? समीरा, मैं बहुत थक गया हूँ, बकवास सुनना नहीं चाहता, सोना चाहता हूँ। आने में कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। मुँह हाथ धोकर तैयार हो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अच्छे लग रहे हैं। आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही? मैं सर दबा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपको किसकी जरूरत है इतना बता दीजिए मुझे। जब जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? आपकी ये बातें तड़पा देती हैं मुझे, कलेजा कट के रह जाता है मेरा। मैं किस तरह दिन काट रहा हूं इसका कोई एहसास नहीं है तुम्हें? और हमारे रिश्ते की पहचान जब इस दुनिया में आएगी तब पता है। पड़ोस की शर्मा आंटी आई थी, मुझसे पूछ रही थी कि खुशखबरी कब सुना रही हूँ। और अम्मी भी कहती रहती हैं कि उनका और अब्बू का बहुत अरमान है पोते को गोद में खिलाने का, उसकी किलकारियां सुनने का। और मैं उनके अरमान बिखरते नहीं देख सकती। और लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं इस बारे में, मैं उनका मुंह बंद कर देना चाहती हूँ। वैसे भी औरत उस वक्त तक अधूरी होती है जब तक वो माँ नहीं बन जाती। मैं अधूरी नहीं रहना चाहती। देखो हीना, आज जो तुमने ये स्वांग रचाया है ना, इसका असर मुझ पर नहीं होने वाला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था और आज फिर कहता हूं, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा।